अल्लाह का बंदा कोई हो जो बता दे। ये मौसम हसी हमें डर है हम कर न जाए यही। हाय वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूँ शमा माई, शमा माई कैनक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी मैं इतने दिनों से गायब थी और मैंने कोई भी वीडियो कोई भी ब्लॉग कुछ नहीं डाला है। तो आज एक्चुअली मुझे इधर भी बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और ड्यूटी पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और इस समय डेंगू इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रखा है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्लिनिक पे। और इतना ज़्यादा काम होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे थे। और कुछ तो भी पता नहीं क्यों थोड़ा सा ऐसे बड़ा डाउन सा भी फील हो रहा था, इस वजह से भी नहीं कर पाई। तो फिलहाल आज हम मेरा ऑफ है, संडे है आज, आज हम घर पे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और सॉरी फॉर द डिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं फ़िलहाल आज जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, मैंने सोचा बहुत दिनों से मैं अपने पौधों को बेचारों को जो है ज़रा भी उनको ध्यान नहीं दे पा रही। कुछ हैं जिनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो हम आज अपने पौधों की गुड़ाई वगैरह करेंगे और आपको भी दिखाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। ये मेरे गमले जो कि बेचारे बड़े बीमार से हो गए हैं, ये वाली पत्तियाँ तो बिल्कुल ही सूख सी गई हैं गुड़हल की। ये अच्छा खासा इसमें फूल आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ इसको भी बहक गया है। ये भी चलो करते हैं अभी इन सब की छटाई बटाई। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने सारे गमलों को अपने उधर वाले जितने भी थे उनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रख लिया है। कुछ मेरे इधर आंगन इस आंगन के भी हैं जो कि इधर साइड में लगे हैं। तो मैं एक एक करके सारे गमलों की गुड़ाई करूँगी सबसे पहले, और उसके बाद एक एक गुड़ाई जिनकी होती जाएगी उनको साइड करके फिर वापस लगा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग पानी दे देंगे पौधों में ताकि वो अच्छे से हो जाएंगे। और ये देखिए मेरा क्रिसमस ट्री है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इसका जो शेप होता है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। फ़िलहाल ये सब करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। ये देखिए हमारा सब कुछ डन हो चुका है, मैंने सब कर दिया है, लगा दिया है और उधर वाले पौधे भी हो गए। इसके बाद मेरे को निकलना है भावना के यहाँ जाने के लिए, तो मैं फटाफट नहाऊंगी और उसके बाद फिर आप लोगों को मिलती हूँ रेडी हो करके। बस इनको मतलब अब पानी देंगे तो ये कायदे से क्या होता है कि मिट्टी जो होती है ना वो बिल्कुल टाइट सी हो जाती है अगर कंटिन्यू आप उसे गुड़ाई नहीं कर रहे हो। बीच बीच में कुछ कुछ दिनों पर आपको अपने पौधों की गुड़ाई करनी चाहिए, तो अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ करिएगा। और मैं तो अब रेडी होने जा रही हूँ, फिर आपसे रेडी होकर मिलती हूँ। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। घर पे पहुँच चुके हैं, अभी वो गई है चाय बनाने के लिए, हम नीचे दुकान पे बैठे हैं, अभी हम लोग को जाना है चौक। तो चलिए अभी चलते हैं चौक, तो फिर आपको भी लेके चलते हैं। मुझे एक्चुअली एक सूट लेना है, हम लोग जाने वाले कहीं फंक्शन में, तो उसके लिए
फ्रेंड्स, क्योंकि दिवाली का मौसम है तो यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है अमर उजाला की तरफ से, इसलिए इतना सजा हुआ है। और ये देखिए एक्सिस बैंक, इसी बिल्डिंग के पीछे हमें जाना है इसी वाली रोड पे। तो अभी हम लोग आगे से आ करके यू टर्न लेकर के फिर इस रोड पे आएंगे, क्योंकि बीच से तो जा नहीं सकते हैं, इधर डिवाइडर है और अगर पैदल होते तो मज़ा आता। फैजा मैम, प्लीज कम नियर द स्टेज, फैमिली इज कॉलिंग यू। फैजा मैम, प्लीज कम नियर द स्टेज, योर फैमिली इज कॉलिंग यू, वेटिंग फॉर यू होम। चलो वहीं पे देखते हैं कहाँ पे है, अल्लाह का बंदा कोई हो जो बता दे। भैया अहमद मिल जाओ जल्दी से, इसके बगल वाली गली में चलो देखें, यहीं शायद होगा कहीं, उसमें पड़ा हुआ है महक तो यार सामने वाली तरफ से भी आ रही होगी, वहाँ पे भी एक ठो लगाता है ना अवध करके, महक आ रही है। चलो यार तुम्हारी नाक में घी शक्कर तुम्हारे नाक में घी शक्कर, यार किधर हो दुकान उसको ये रही पीछे 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 चलो पीछे चलो। हाँ शायद हम पहचान गए उसकी दुकान। अरे अल्लाह मिल गया अंदर, इसमें एक सेकंड रोक के मुड़ना। हाँ वही है। पहुंच गए आप। हाँ रुक जाओ यार, दुकान अभी लगी रही है क्या यार, अभी स्टार्ट ही हो रही है।
हाँ मस्त इक्का विक्का सजा है भाई, चौकी वोकी जैसे लग रहा निकल रही हो। ये कौन सा है ये वाला? ये तो कोई जोकर है। ये मोटू पतलू है और ये मिक्की है, ये ऊंट है। हाँ मगर ये असली है। लास्ट ईयर भी यहाँ पे हो रहा था वो आईनेक्स वाला लेना है। यहाँ से लेफ्ट नहीं, आगे से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट पे विशाल आएगा। हाँ विशाल विशाल आएगा, अरे लाइन चलते हैं ना। हाँ हाँ आगे मेन सुभाष चौराहे से लेफ्ट होगी तो तुम्हारा ये रिलायंस आएगा। ये देखो जगमगा रहे हैं भाई सुभाष जी। हम लोग यहाँ पे कब आए थे? फ्रेंड्स अभी हम लोग चौक आ गए, वहाँ से मॉल से निकल के वहाँ पे कुछ भी नहीं जमा अपने को, और हम लोगों ने सोचा कि अभी इधर से फिर रिलायंस जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए चौक के लिए निकल आए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ सूट वूट, अगर जम गया तो ले लेंगे, नहीं जमा तो फिर ऑनलाइन ही मंगा लेंगे, लास्ट ऑप्शन वही है। फिलहाल घूमने को भी मिल रहा है इस वजह से भी हम लोग आ गए, घूम भी रहे हैं। और अभी 6 ही बजे हैं लेकिन इतना अंधेरा हो गया है, मतलब ऐसा मौसम चेंज हो गया ना, ठंड वाला आ गया। यहाँ से लेफ्ट लेना ठीक है, तो मौसम ऐसा चेंज हो गया है तो जुकाम जुकाम सा मुझे फील हो रहा है सुबह से। और फिलहाल अभी आपको शॉप पे चल के फिर दिखा। ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। कौन सा? ये नीचे वाला ना। हाँ कलर भी अच्छा है, अच्छा लग रहा है। ये अलग करिएगा इसको ठीक है जी। थोड़ा अगर चाहती हूँ कि फ्रेंड्स हम लोगों ने कपड़ा ले लिया है और अब बस यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अहमद की दुकान पे गए थे बट उस समय वो शुभ ही कर रहे थे साहब, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी शॉप पे खाएंगे उसके बाद घर पर लेंगे। हम लोग और कुछ नहीं लेना है, गोलियाँ घुमाई बहुत हो गई, कायदे से मज़ा आ गया, तो अभी चलते हैं एंड शॉप। और ये मौसम हंसी हमें डर है हम कर न जाए यही। वो कौन बैठा है झाड़ियों के पीछे ए वक्त हाथ में लोटा निगाह नीचे कभी सुड़ सुड़ कर कभी कभी से फ्रेंड्स वापस हम लोग आ गए हैं अहमद की शॉप पे। अभी यहाँ से भीड़ बहुत ज़्यादा है तो खाएंगे नहीं, पैक करा करके चलते हैं और भावना के घर पहुँच के खाएंगे। हम लोग यहाँ पे 3-4 बार आ गए ना, आज 2-3 राउंड मारे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ बना रहे हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम घर आ गए हैं भावना के, और हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे चिकन के लिए ये वाले कि हमसे मतलब बिल्कुल हम भूल ही गए वीडियो वगैरह बनाना। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग फाइनली हम घर आ चुके हैं, और ये देखिए जो सूट हम लेके आए थे लिया है मैंने वो ये है। तो ये जब सिल जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल बस ये था आज का व्लॉग, बस उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।